हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। मैं इस वक्त चला रहा हूँ सिट्रोएन की EC3। EC3 क्या है? EC3 बेसिकली सिट्रोएन C3 का इलेक्ट्रिक वर्जन है। 6 महीने पहले ही इसका जो पेट्रोल वर्जन है यानी IC वर्जन है, ये लॉन्च हुआ था, और अभी 6 महीने के अंदर ही इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च हो गया, जिसे मैं इस वक्त चेन्नई में चला रहा हूँ ट्रैक के ऊपर। तो चलिए, EC3 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए गियर फ्लिक को एंड लेट्स बिगिन। अब इसके डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन एज सच कोई चेंज नहीं हुई है। C3 की जो डिज़ाइन है ये वैसी है, दिखने में वैसी ही है, बस कुछ एलिमेंट्स चेंज हुए हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो आप कलर देख रहे हैं ऑरेंज, इसके साथ आपको जो हाइलाइट्स मिलते हैं ये वाइट कलर में मिलते हैं यहाँ बम्पर पे, और साइड में भी अगर आप देखें तो वाइट कलर के आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे इन दिस ऑरेंज कलर। यहाँ पे आपको ई का एक लोगो मिल जाएगा, ये बताते हुए कि ये एक इलेक्ट्रिक कार है, ईवी है। सो दिस इज़ रिटन इन अ टिपिकल फ्रेंच फैशन, उमलाउट्स के साथ ई लिखा हुआ है EC3 का। जो बाकी सेटअप है वो EC3 की तरह ही है। ये अलॉय व्हील्स हैं, ये आपको एक्सेसरीज में मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड इसमें स्टील व्हील्स ही आते हैं। फ्रंट का जो लुक है वो भी एग्जैक्टली C3 की तरह ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। डुअल टोन कलर में जो रूफ है इसका, ये वाइट कलर का है, और यहाँ पे आपको रूफ रेल्स भी मिल जाएंगे जो देखने में बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं। और यहाँ पे जो एक ब्लैक एलिमेंट है विद द वाइट स्ट्रिप ऑन द सी पिलर, दिस लुक्स क्वाइट स्टाइलिश। यहाँ भी आपको सिट्रोएन का नया बैजिंग मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा EC3 का एक बैज। अब जैसे मैंने बताया कि इसमें आपको बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और 315 liters का जो बूट स्पेस है, इसके अलावा आपको इसमें एक स्पेयर व्हील भी मिलता है। बहुत ईवी मैन्युफैक्चर ने स्पेयर व्हील हटा दिया है, लेकिन इसमें आपको 15 inch का ही स्पेयर व्हील मिलता है। ऑफकोर्स वो स्टील का ही व्हील है, लेकिन आपको 15 inch का उसमें व्हील मिलता है। टायर साइज़ जो है उसमें स्पेयर व्हील में 185 का है, जबकि जो आपको व्हील्स लगे हुए मिलते हैं उसमें 195 का साइज है। यहाँ पे इसका इंजन बे है, जिसके अंदर इंजन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका कंट्रोल लगा हुआ है, और कंट्रोल के ऊपर यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सा एक कवर दिया हुआ है प्लास्टिक का, विच लुक्स वेरी नीट। आपको वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी बोनट खोलने की, सिर्फ बैटरी चेक करने के लिए आपको लगेगा, या फिर आपको विंडशील्ड वॉशर में पानी भरने के लिए बोनट खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। इसका जो चार्जिंग पोर्ट है राइट साइड के फेंडर में दिया हुआ है, जहाँ पे आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग के लिए भी ऑप्शन है, और गाड़ी के साथ आपको मिलता है एक पोर्टेबल चार्जर भी। अब पीछे की बात करें तो पीछे काफ़ी कंफर्टेबल है, सीट्स क्वाइट सपोर्टिव है, बैकरेस्ट का एंगल भी अच्छा है, हेडरेस्ट भी इसका काफ़ी सॉफ्ट है, आपको सपोर्ट अच्छा देता है। 3 लोग इसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हैं एडल्ट्स, थोड़ा सा बीच वाले को थोड़ा स्क्वीज करना पड़ेगा, लेकिन स्पेशियस काफ़ी है। एक ही दिक्कत है कि इसका जो फ्लोर है ये काफ़ी रेज्ड है, काफ़ी ऊंचा है, तो आपको पैर थोड़े से ऊंचे रखने पड़ते हैं, वो एक दिक्कत है, क्योंकि ऑफकोर्स के नीचे बैटरी है, और यहाँ पे आपको अंडर थाई सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, ये एक यहाँ पे ड्रॉबैक है। वैसे यहाँ पे आपको 2 USB चार्जिंग के लिए पोर्ट्स मिल जाते हैं, और एक कभी होल यहाँ पे आपको मिल जाता है। अदरवाइज़ ये काफ़ी कम्फर्टेबल लगी मुझे, बस एक है कि ये जो स्पेस है ये थोड़ा सा छोटा है, इंग्रेस एग्रेस में शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज़ सिटी में आपको पीछे बैठने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिट्रोएन जो है ये पहली कंपनी है जिसने अपने पेट्रोल वर्जन के लॉन्च होने के 6 महीने के अंदर ही इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च कर दिया है। EC3 जो है ये C3 का इलेक्ट्रिक वर्जन है, और मैं इसे इस वक्त चेन्नई में चला रहा हूँ ट्रैक के ऊपर एक्सपीरियंस करने के लिए कि C3 इलेक्ट्रिक कैसी है। C3 पेट्रोल को हमने हाल ही में रिव्यू किया है, आपने देखा भी होगा हमारे चैनल पर, और कुछ खास बातें थी उस कार की, कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई थी। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें वही मिलेगी आपको इस गाड़ी में भी, लेकिन क्योंकि ये एक ईवी है तो बहुत कुछ सिमिलर भी है और काफ़ी कुछ अलग भी है। अब ये रिव्यू शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि जब C3 डेवलप हो रही थी, जब इसका प्लेटफॉर्म बन रहा था, ये तभी एग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म बना था, यानी कि जो ICE के लिए भी काम करे और इलेक्ट्रिक के लिए भी काम करें। तो C3 ऐसी गाड़ी नहीं है कि जो पहले पेट्रोल के लिए बनी और फिर इसे अडेप्ट किया गया एज एन ईवी। जब इसका प्लेटफॉर्म बना था तब ये एक ईवी रेडी प्लेटफॉर्म था, और इस वजह से कुछ फ़ायदे भी हैं, वो क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इसका जो व्हील बेस है C3 का, ये काफ़ी लंबा है, 2540 mm का इसका व्हील बेस है, जो अपने क्लास में सबसे ज़्यादा है। और इसका फ़ायदा ये हुआ है कि इसकी बैटरी जो है ये व्हील्स के बीच में ही फिट हो गई है, ये बूट तक एक्सटेंड नहीं होती है, और इस वजह से फ़ायदा ये हुआ है कि इस गाड़ी में आपको फुल बूट स्पेस मिलता है 315 liters का। अब मैं इस गाड़ी को पुश कर रहा हूँ ऑन द हाई स्पीड ट्रैक टू सी कि इसकी टॉप स्पीड क्या बनती है।
107 पे लॉक्ड है ये, और 107 ही मैंने टच किया है इस पर, 107 के ऊपर नहीं जा रही है इसकी जो टॉप स्पीड है, ये 107 किलोमीटर्स पर आर पे लॉक्ड है। मैंने फुल थ्रॉटल कर दिया था इसे, फ्लोर कर दिया था थ्रॉटल को, लेकिन 107 पे ये लॉक्ड है, इसलिए 107 के ऊपर ये जाएगी नहीं। अच्छा, अब एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बताऊँ। इसका एक्सेलरेशन जो है काफ़ी लीनियर है। काफ़ी ईवीज़ मैंने चलाई है जहाँ पे आपको एक सडन थ्रस्ट मिलता है और बिल्कुल सडनली गाड़ी जो है पिकअप लेती है, वो चीज़ में नहीं है। इसका जो पिकअप है बहुत ही लीनियर है, लेकिन स्लो नहीं है, दिस इज़ क्वाइट फास्ट। 0 to 60 का स्पीड पकड़ने में इसे 6.8 सेकंड्स लगते हैं, जो कि स्लो बिल्कुल नहीं है। और ये गाड़ी जो है आपके सिटी ड्राइविंग के लिए बनाई गई है, आपके डेली यूजेज के लिए बनाई गई है, और यहाँ पे इतना पावर मेरे हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट है। अब ख़ास बात इसकी ये है कि चलाने में ये बहुत ही कम्फर्टेबल है, जो ड्राइविंग प्लेजर आपको इसमें मिलता है दैट इज़ फेनोमिनल। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्या बहुत ही अच्छा सस्पेंशन लगा मुझे इसका। राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। NVH के बारे में ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, NVH बहुत ही अच्छा है इसका। ऑफकोर्स ये इलेक्ट्रिक है तो आपको इंजन की आवाज़ इसमें नहीं आती है, लेकिन और भी ऑलराउंड आवाज़ भी बाहर की जो है ये अंदर इंक्लूड नहीं होती है, ये बहुत ही साइलेंट कार है। 29.2 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी है, और इसके पावर की अगर बात करें तो इसमें 57 PS का पावर है और 143 Nm का टॉर्क है। दो ड्राइव मोड्स आते हैं इसमें, एक स्टैंडर्ड और एक इको। इको में आपकी बैटरी सेविंग ज़्यादा होगी। इसकी जो बैटरी है ये हाई डेंसिटी लिथियम आयन बैटरी है, और एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो बैटरी है ये लिक्विड कूल्ड नहीं है बल्कि नेचुरली एयर कूल्ड है। अब ये सवाल आपके मन में होगा कि यार ये एक कार है और इसकी जो बैटरी है इसमें लिक्विड कूलिंग होती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन क्योंकि इस कार की बनावट ऐसी रही है कि ये फ्रॉम इंसेप्शन एक इलेक्ट्रिक कार बनी हुई है, बैटरी की जो प्लेसमेंट वो इस तरह से है कि इसको लिक्विड कूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एयर कूलिंग में ही ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, और कूलिंग मैनेजमेंट भी जो है इसका ये काफ़ी अच्छा है। अब मैं फिर से आ गया हूँ इस हाई स्पीड ट्रैक पे, एंड वंस मोर वी विल ट्राई इसकी टॉप स्पीड क्या है। मैं फ्लोर कर चुका हूँ, 107 पे इसका स्पीडोमीटर लॉक हो गया है, उसके ऊपर ये नहीं जा रहा है, बट द राइड इज़ फेनोमिनल। हैंडलिंग इसकी बहुत ही सही है, बॉडी रोल बहुत कंट्रोल्ड है इसमें, एंड ओवरऑल जो ड्राइविंग प्रेशर आपको चाहिए इसमें बहुत मिलता है। ऑलराउंड विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। C3 जब मैंने पेट्रोल वर्जन चलाया था तब भी ये बात मैंने बोली थी कि ऑलराउंड विजिबिलिटी जो है इसकी बहुत ही अच्छी है। बोनट का व्यू आपको बहुत ही अच्छा मिलता है यहाँ से, और एक अपराइट ड्राइविंग पोजीशन है इसकी जस्ट लाइक एन SUV। अब इसका जो गियर बॉक्स है ये एक सिंगल ट्रांसमिशन यूनिट है, और यहाँ पे कोई गियर लीवर आपको नहीं मिलता है बल्कि एक गियर सिलेक्टर मिलता है यहाँ पे, जहाँ से आप इसमें रिवर्स, न्यूट्रल या ड्राइव मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें आप इको मोड के लिए यहाँ पे एक बटन दी गई है, लेकिन अगर आप इसके थ्रॉटल को ज़ोर से दबाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पावर मोड पे शिफ्ट हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि ये आपके सिटी ड्राइविंग के लिए बनी हुई है, डेली यूजेज के लिए बनी है, उसके लिए मुझे ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इसके जो गियर यहाँ पे दिखाई देते हैं आपको, जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें इल्यूमिनेशन भी है, तो आप जिस किसी भी गियर में हैं वो पार्ट जो है इल्यूमिनेट हो जाता है, एंड दैट इज़ अ नाइस टच। बाकी C3 में जो फीचर्स आते थे वो आपको इसमें भी मिलेंगे। एक बड़ा सा टच स्क्रीन आपको इसमें मिल जाएगा जो हॉरिजॉन्टल है, और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा है, रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है, एंड्रॉयड ऑटो जैसे फीचर्स मिल जाते हैं आपको अलॉन्ग विद ब्लूटूथ ऑफकोर्स। IP जो है इसका ये बड़ा बेसिक सा यूनिट है, एक सिंपल डिजिटल यूनिट है जिसमें आपको स्पीडोमीटर दिखाई देता है, आपको जो पावर मोड है वो दिखाई देता है कि बैटरी चार्ज हो रही है या फिर इको या पावर मोड पे चल रहा है, रेंज कितना है वो आपको इसमें नज़र आता है, आपको इसमें ट्रिप मीटर्स मिल जाएंगे, चार्ज कितना परसेंट है वो पता लग जाएगा, और आप कौन से गियर मोड में हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो बहुत बेसिक सा यूनिट है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें आपको नहीं मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप पूछेंगे इसका रेंज क्या है, जो सबसे ज़रूरी बात होती है। इसका रेंज जो है ये ARAI स्पेसिफाइड जो है MIDC फिगर्स जो है ये 320 किलोमीटर्स का रेंज देती है ऑन अ फुल चार्ज, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रियल लाइफ में आपको अराउंड 250 से 260 किलोमीटर्स का रेंज रियलिस्टिकली मिल जाएगा इसमें। अब इसका रेंज टेस्ट तो हमने किया नहीं है, लेकिन बहुत जल्द इसका रेंज टेस्ट भी हम लोग करेंगे, और तब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली रियल लाइफ ड्राइविंग में ये कितना रेंज दे पाती है। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 250 टू 260 किलोमीटर्स का रेंज ये आराम से दे देगी। एक और ख़ास बात इसमें ये है कि C3 जो है ये 100% फास्ट चार्जिंग के लिए केपेबल है। अब बहुत से EVs हैं जहाँ पे
आपको स्लो चार्ज भी करना पड़ता है बैटरी की लाइफ मेंटेन करने के लिए, लेकिन कंपनी का कहना है कि ये पहली गाड़ी है जिसमें आप हमेशा इसे फास्ट चार्ज कर सकते हैं। 10% से 80% का चार्ज 57 मिनट्स में हो जाता है विद अ फास्ट चार्जर। 10.5 घंटे में यानी 10 hours 30 minutes में आप एक रेगुलर 15 ampere के चार्जर से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। फुल चार्ज होने के लिए 10.5 घंटे लगते हैं इस कार को। अब इसकी जो बैटरी है ये इसके व्हील्स के बीच में माउंटेड है, नीचे है, लेकिन इसके ग्राउंड क्लियरेंस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। जो रेगुलर पेट्रोल वर्जन है इसका, उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm का है, और इसका यानी EC3 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये 170 mm का है, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। ब्रेकिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है, इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक आता है और पीछे ड्रम ब्रेक आता है। ब्रेक में मुझे कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई, और ब्रेक करते समय भी हाई स्पीड से भी इसकी जो स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी है ये काफ़ी मेंटेन रहती है। और चलाने में मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये एक बहुत ही वेल बिल्ट कार है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड है इसकी, एंड ये इस तरह से बनाई हुई है विच विल गिव यू अ लॉन्ग लाइफ। तो ये थी कुछ बातें सिट्रोएन EC3 के बारे में। आप हमें कमेंट से बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लग रही है, क्या ये EV आप खरीदना चाहेंगे या नहीं। वैसे जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो ये हैं कि ये काफ़ी अफोर्डेबल EV होने वाली है, तो आप हमें कमेंट से बताइए कि क्या आपको EC3 का इंतज़ार है या नहीं। मुझे तो ये गाड़ी काफ़ी डिपार्टमेंट्स में इंप्रेसिव लगी है, आपको लग रही है या नहीं ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर फ्लिक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जब भी गाड़ी चलाएं सेफली चलाएं और सीट बेल्ट्स ज़रूर पहनें।